एक शर्मा ट्रॉफी जीत के चला गया, दूसरा शर्मा ट्रॉफी जीतने के लिए आ गया है। कुल मिला के बात ये है कि शर्मा तबाही मचाते रहेंगे। अरे यू ना देख सुंदर नारी, मुझे समझियो ना ब्रह्मचारी, ऐसा ना हो तेरे कारण बन जाऊं मैं प्रेम पुजारी। बस कर बस में, बस कर बस में, बेबस बस जाए ना बस नैनो में नैना। क्या कहना भाई, क्या कहना भाई, क्या कहना, आ गया भाई छोटा शर्मा। स्वागत करो शर्मा का, खींच के रख दिया। अभिषेक शर्मा रियल तबाही, एक शर्मा रिटायर हुआ है अभी, दूसरा शर्मा आ गया भाई। वो सीधे हाथ से मारता था या उल्टे हाथ के देता है, और ऐसे देता है। देखो मैंने बोला, कल बोला मैंने कि ये सारे लड़के ना, अभिषेक हो गया, रियान, ये कहीं ना कहीं आईपीएल वाले माइंडसेट में थे, लेकिन कल जब उसने शॉट मारा, छक्का मारने गया था, वो खाता वो छक्के से ही खोलना चाहता था, लेकिन नहीं खुला खाता। इस तरीके से जब लड़का आउट हो जाता ना कोई ओपनर, भाई उसका क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उसका करना नहीं है, क्योंकि अपने को एक ऐसा लड़का चाहिए जो कलाइयों के सहारे से पावर प्ले ना खेले। एग्री करते हो? कलाइयों के सहारे से पावर प्ले खेलने वाला नहीं चाहिए अपने को, बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने को वो चाहिए जो ऊपर से खाल उधेड़ दे सामने वाले को। देखो मेरा ऐसा मानना है, अभिषेक शर्मा हो गया, यशस्वी जायसवाल हो गया, ये ऐसे लड़के हैं। देखो अगर तो ये खड़े हो गए पावर प्ले में, वो पावर प्ले फिर आज ठीक है, आज 36 रन ही बने, क्योंकि बैटिंग करना उतना आसान था भी नहीं, जब तक कि वो 11वां ओवर नहीं आया। 11वें ओवर में 28 रन मारता है, उसको तो रगड़ देता है वो मेयर्स करके था एक बंदा। उससे पहले हम कुछ खास नहीं खेल रहे थे, ऐसा ही खेल रहे थे। अभिषेक शर्मा की कैचेस भी छुटी, सब कुछ हुआ, कैच भी ड्रॉप हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बंदा यार मारता ही चला गया, खाता छक्के से ही खोला है। कल भी छक्का मारते मारते आउट हुआ था, लेकिन आज भी वो छक्का ही मारा उसने यार। क्या 82 पे था, मैं 72 पे था वो। मैंने कहा यार ये बड़े आराम से भी खेलेगा ना, ये 54-55 बॉल में सेंचुरी कर लेगा, मतलब करनी चाहिए भाई। वो बंदा मारता ही चला गया, 82 पे छक्का मारा, 88 पे छक्का मारा, और फिर 100 भी छक्का मार के किया, और 50 भी छक्का मार के किया, और खाता भी छक्का मार के खोला। तो ये लड़का ना सिंगल और डबल, और आज भाई इसने रिस्पेक्ट भी किया कंडीशन की, आज इसने ना अच्छे बॉल पे सिंगल भी निकाले। लेकिन ये ना चौके के लिए नहीं जाता ज्यादा कि कट मार लूं, गैप ढूंढ लूं, नहीं वो नहीं करता, ये छक्का ही मारता है। आज युवराज सिंह घर पे बैठ के भाई बहुत प्राउड हो रहा होगा, और एक आदमी और प्राउड हो रहा होगा, वो है वीरेंद्र सहवाग, और आज रोहित शर्मा भी बहुत प्राउड हो रहा होगा। अभिषेक शर्मा भाई मतलब यार हमारा लड़का बिगाड़ा गया है, हमारा संस्कारी साफ सुथरा बालक बिगाड़ा गया है, हमारे बच्चे को नटखट और चुलबुला बनाया गया है। वो ट्रेविस टुल्ला खुद तो बिगड़ा हुआ है, हमारे वाला लड़का सच में बिगाड़ दिया, लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट कौन सा है, मैच कौन सा चल रहा है, मैं ऐसा ही खेलूंगा। अब देखो कहने वाले ये भी कहेंगे, हाँ तो क्या हो गया, जिम्बाब्वे के साथ ही तो बनाया है सेंचुरी। अरे तो पहला मैच भी जिम्बाब्वे के साथ ही था, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ी था। यहां इतना आसान है नहीं है भाई बैटिंग करना, भाई तुम्हें ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग देख के पता लग गया होगा ना कि कितना डिफिकल्ट है बैटिंग करना। 33 बॉल में 50 किए अभिषेक ने, 33 बॉल में पहला 50, और अगला 50 13 बॉल में, और फिर 47वें पे आउट हो गया भाई। मान गए, लड़के में दम तो है भाई, दिलेरी तो है भाई लड़के में, हिम्मत है। देखो एक बात समझो जरा, ये लड़का, एग्री और डिसएग्री करना सारे भाई लोग, ये लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेले, मतलब जब ये जब कंटिन्यू करेगा ना इसको T20 को, ये लड़का 175-190 के आसपास ही अपने करियर को लेके चलेगा स्ट्राइक रेट में। देखो
ये जो है ना 135-140, ठीक है, अगर भाई हमारे पास है ही नहीं है प्लेयर, फिर तो 130-135 भी बहुत है। लेकिन अगर मैं खेल सकता हूं 190 के स्ट्राइक रेट से, 200 के स्ट्राइक रेट से, तो फिर क्यों ना खेलूं भाई। आप रिंकू को देख लो उठा के, वो डे वन से उसने मीटर खींच रखा है, फाड़ रखा है मीटर। सूर्य कुमार यादव को देख लो, उसका अब आया स्ट्राइक रेट थोड़ा डाउन, वो भी ये वेस्ट इंडीज में जाके, नहीं तो उसका स्ट्राइक रेट 180-190 घूम रहा था, अब उसका 165-166 इसके अराउंड घूम रहा है, 167 के आसपास घूम रहा है। और भाई रोहित शर्मा को लेके ब्रेकिंग आ गई है, पता लग गया होगा सबको, जय शाह ने आज फिर कंफर्म कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो, हाँ फाइनल ही है क्योंकि उसमें हम पहुंच ही जाएंगे, उसमें रोहित शर्मा ही कैप्टन होने वाला है। ये जय शाह ना सूत्रों के हवाले से जो मुत्तर करते हैं, इनकी नौकरियां खा जाएगा, क्योंकि अभी रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ी, मतलब रिटायरमेंट ली T20 से, अब लग गई थी बकवास होने कि नहीं नहीं एक ही कप्तान रहेगा, भाई रोहित ही कप्तान रहेगा, और वो पूरा होपफुल है। मतलब जय शाह ने आज कहा है कि मैं पूरा होपफुल हूं कि हम कर देंगे काम। और एक और ब्रेकिंग दे दूं, आज तक कभी भी कोई भी होस्ट कंट्री चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीती है, तो भिखारियों तुम तो निकल लो, क्यों बिना मतलब के अपने घर में खर्चा करवा रहे हो उन गोरों को बुला के भी। अबे तुम्हारे घर पे कुछ है ना खाने को, ना खिलाने को, ना दिखाने को, ना छुपाने को, क्यों खाम खा टेंशन ले रहे हो। मैं तो कह रहा हूं ICC थोड़ी तगड़ी हो जा, और भाई ये छोटू पीछे से उंगली लगा देगा ICC वालों को, वो इनसे होस्टिंग राइट्स ही छीन लेंगे भैंस की आंख। वो ये कहेंगे छोटे छोटे भिखारी हो, तुम्हारे बस का नहीं, बर्थडे पार्टी होस्ट करने की औकात नहीं है, और तुम चले हो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने। ये थोड़ा याद आ गया था बीच में, इसलिए मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं भाईजान। आगे बढ़ते हैं, एबी भाई को बहुत बहुत बधाई 1 मिलियन सब्सक्राइब होने के लिए।